मीरा महिंदर, यूथ कांग्रेस की तरफ से आयोजित आज का ये युवकों के साथ का संवाद, मंच पे उपस्थित यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दीप काकड़े, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद सावंत, प्रकाश नांगने, रुबीना सैयद, रऊफ कुरैशी, गीता परदेसी, जुबेर इनामदार, एडवोकेट एस ए खान, अशोक शेख, साहिबलाल यादव, विंसेंट वास, राकेश राजपुरोहित, थापा सदीप, हेमंत मेहता, फारूक शेख, महेश देसाई, पराग जोशी, राहुल पारिक, उपस्थित सभी पूरे जिले के बेसिक डीसीसी के और यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, भाइयों बहनों और दोस्तों, यूथ कांग्रेस को और दीप काकड़े को और उसके सभी साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। देरी सही मगर आज कार्यक्रम तो लगा, कितने महीने के बाद, अच्छा हुआ नौ नहीं बोला, मैं तो नौवे महीने से पीछे लगा था, डिलीवरी दो, और इसको लेबर पेन ही नहीं हो रहा था। कांग्रेस का इतिहास, आज कांग्रेस का फाउंडेशन डे है 136वां, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों से लड़ने के लिए और इस देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई। बाद में 1920 में महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू और अन्य सारे लोग जुड़े और इस देश की आजादी में सब में ज्यादा जो योगदान रहा उस वक्त, वो कोई अमीरों का नहीं था, कोई नवाब या कोई राजा ऐसे बड़े लोगों का नहीं था, वो छोटे गरीब, दलित, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, ये तबके के लोग जो थे, ये करोड़ों की तादाद में स्वतंत्र की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया और अपने प्राण की आहुति दी, बलिदान दिया, त्याग दिया। जितने लोगों का नाम आप देखोगे, जिन्होंने जो सूली पे चढ़े, जिन्होंने छातियों पे गोली खाई, चाहे जलियांवाला बाग हो या इतिहास के पन्नों में और कई नाम जो दबके रह गए, इनको अगर आप देखोगे तो ये कोई रईस परिवार के, किसी राजा के घर के, कोई बड़े खानदान के लोग नहीं थे, तो आम जनता थी। और आम जनता की वजह से ही कांग्रेस को साथ मिला और इस देश को स्वतंत्र मिला। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन, नौजवानों को खास तौर पे, आज के नौजवानों को अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो 99% बच्चों को, नौजवानों को ये पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। नौजवानों को तो छोड़ दो, कई उम्र वाले लोगों को भी, आज भी पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसे इस देश की बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, भगवत गीता कहा जाए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको, हमको, हर एक को अपना हक मांगने का अधिकार है, अपने दिल की बात बोलने का अधिकार है, आपके ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, सरकार ने अगर कोई गलत फैसले किए हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। इस घटना और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस देश की न्यायपालिका चलती है, जुडिशियरी चलती है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट चलता है, ये ब्यूरोक्रेसी चलती है, ये IAS IPS ऑफिसर्स
जो काम करते हैं, ये जो पार्लियामेंट है, ये जो स्टेट पार्लियामेंट है, जिसे हम एमएलए कहते हैं, एमएलसी कहते हैं, ये पार्लियामेंट्स और स्टेट असेंबलीज उसके तहत चलती है और वहां पे कायदे बनाए जाते हैं। पर कायदे किस तरह से बनाने चाहिए उसका इस कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा तफसील से, डिटेल से बताया गया है कि कायदा बनाने के भी तरीके क्या है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तैयार की और उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर बदलना है तो उसके भी तरीके उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि आपके पास में इतनी मेजोरिटी होना चाहिए, विषय को जिस तरह से महापालिका में विषय को विषय पत्रिका पे लाया जाता है और चर्चा हुई जाती है और उसके बाद में बहुमत के आधार पे, क्योंकि लोकतंत्र का जो काम है वो बहुमत के आधार पे चलता है, तो पार्लियामेंट के अंदर भी बिल्स टेबल किए जाते हैं और ऑपोजिशन चाहे वो एक आदमी क्यों ना हो, इस देश के इतिहास में बीजेपी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अटल बिहारी वाजपेयी, एक, सिर्फ एक, और कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, मगर उस वक्त भी कांग्रेस उनको बोलने का पूरा अधिकार देती थी। ये वही देश है, ये वही पार्लियामेंट है, तो ये अधिकार किसने दिया? कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं दिया, बल्कि इस घटना ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही इस तरह से बनाया गया है कि सत्ता में जो लोग रहते हैं वो कम बोलते हैं, उनको बोलने का अधिकार कम होता है, उनको जवाब देना पड़ता है, और विरोधी पक्ष जो है वो सवाल पूछने का अधिकार रखता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैंने बताया जैसे सारी कोर्ट्स उसकी तरह चलती है, असेंबलीज के अंदर स्टेट के कायदे बनते हैं, कानून बनते हैं, और जब किसी भी पार्लियामेंट में और कॉन्स्टिट्यूशंस के इस मंदिरों में अगर विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाए तो फिर उस देश की डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। आप और हम जानते हैं ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में रशिया ने 50 मुल्कों पे ईस्टर्न यूरोप में अपनी डिक्टेटरशिप बनाए रखी 50 साल तक, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जब वहां पे दबा दी गई तो वहां पे कूप हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, और क्या हुआ तो रशिया टूट गए, 50 मुल्क अलग हो गए। फ्रांस में यह रेवोल्यूशन हुआ था, आप लोग अगर इतिहास जानते हैं, पढ़े हैं आप और अपने सपने, तो जब रेवोल्यूशन होता है तो आवाम उसके साथ में जुड़ती है, जनता जुड़ती है, और फिर सरकार को झुकना पड़ता है, वही लोकतंत्र होता है। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हाथ उठा के बताइए कितने लोग इस बात को मानते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो मतलब आप इस बात को समझते हैं कि आपकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, किसान की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, दलित की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ओबीसी की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। पिछले 5-7 सालों में इस देश ने एक बहुत ही अजब माहौल सा तैयार हुआ है मुल्क में। सारा मीडिया तो एक ही गाना गाता है, एक ही बाजा बजाता है, आप चाहे कोई चैनल चालू कर दो तो आपको एक ही शख्स मन की बात बोलते हुए नजर आएगा। काश के घर में अपनी मन की बात बोला होता तो आज बाल बच्चे होते। कई बार व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऐसे मीम्स भी चलते हैं, जोक्स भी चलते हैं कि भाई साहब अगर इनका घर बार होता तो ये ऐसा आधी रात को हर चीज का फैसला नहीं करते, आधी रात को नोट बंद, आधी रात को नए कायदे, आधी रात को किसान का बिल, जो भी काम करते आधी रात को करते और पब्लिक के बीच में आके बोलते हैं मैं अपनी मन की बात बोलता हूं। तो ये मन की बात नहीं बोलते, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की मन की बात बोलते, जो इस देश के सरमायेदार हैं,
कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, जिन्हें हम कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कहते हैं, ये उनकी मन की बात बोलते हैं, उनका किस तरह से फायदा होगा ये वो काम करते हैं। और आवाम को, जनता को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे उलझा के रखते हैं। आप देखिए टीवी के ऊपर, अब बिहार का चुनाव था तो सब चैनल्स के ऊपर आपको मौलाना दिखते थे, पंडित दिखते थे, मस्जिद के बाद आर्ग्यूमेंट होती थी, मदरसों की चर्चा होती थी कि मदरसे में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, वहां क्या पढ़ते हैं, इतनी मस्जिदें हैं, इतने मौलाना हैं। बिहार का इलेक्शन खत्म, चैनलों ने ये डिस्कशन बंद। अब कलकत्ता का जब इलेक्शन चलेगा, बंगाल का, तब आप देखोगे कि फिर से यही शुरू होगा। एक तो चैनल तो ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना दिखाते रहते हैं, शाम में इमरान खान को दिखाएंगे, ऐसा लगता है कि इमरान खान यहां का राष्ट्रपति है। तो पोलराइजेशन है ये, मतलब हिंदू देखेगा और वो पाकिस्तान को देखेगा तो यहां के मुसलमानों के खिलाफ में नफरत पैदा करेगा आपस के दिल में, अपने दिल में। बुर्के में औरतों को दिखाएंगे, ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, कुर्बानी की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, और इस तरह से हिंदू और मुसलमानों को जो है आपस में दिल और दिमाग के अंदर रास्ते पे उतर के लड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने दिल और दिमाग में किसी के लिए नफरत पैदा कर दी तो आप तो फिर उसका चेहरा भी नहीं देखना पसंद करते, उसको वोट देने की बात तो बहुत दूर होगी। तो इन्होंने ये कर दिया है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान को ही नहीं, तो जो कांग्रेसी है, चाहे बीपी जैन हो, चाहे प्रमोद सावंत हो, चाहे दीप काकड़े हो, ये कांग्रेसी है मतलब ये मुसलमान है। इस तरह का माहौल देश में बना दिया है, इस तरह का माहौल देश में बना दिया है। चाहे शैलेश पांडे हो, अगर ये कांग्रेस की सभा के अंदर है तो कोई दूसरे पांडे इनके साथ में नहीं घूमेंगे, क्यों बोले कांग्रेसी, तो भाई तो क्या हुआ, नहीं कांग्रेसी सब मुसलमानों का साथ देते। कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों को इतनी तफसील से बताया गया है, आप लोग कभी मेरे घर आइए, दीप काकड़े आपने जिनको ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए हैं उनको लाइए, आपके जिले के पदाधिकारियों को लाइए, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स की एक वॉल्यूम खाली दूंगा, कितनी वॉल्यूम है उसमें, पांच, एक वॉल्यूम दूंगा, एक वॉल्यूम 1200 पेज की है, आप 20 लोग आइए 1200 पेज में डिवाइड कीजिए कौन कितना पेज पढ़ेगा, पॉसिबल है ना 20 पेज पढ़ने का, नहीं पॉसिबल है, 100 पेज पढ़ना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो चर्चा हुई, जो डिबेट्स हुए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने वहां पे क्या कहा, पंडित नेहरू ने वहां पे क्या कहा, सरदार पटेल ने वहां पे क्या कहा, आर्टिकल 370 उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं, मिसाल के तौर पे कश्मीर का आर्टिकल 370, उसके ऊपर जब आर्टिकल 370 बना तो किन लोगों ने उस पर क्या कहा, अपने विचार कैसे प्रकट किए, और फिर उस पर किस तरह से चर्चा होकर के, उस पर वोटिंग होकर के, तब जाके एक आर्टिकल बना आर्टिकल 370। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कोर्ट में देखते हैं कि अगर आप पे किसी ने दावा दाखिल किया, आपको नोटिस आती है, तो पहला उस पर पहला वर्ड रहता है अंडर आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 146 ये दावा दाखिल हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट जब तक कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और जब आपको ये ही नहीं पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आपकी हमारी हालत उसी तरह से होगी कि मैं बोलता हूं मैं मुसलमान हूं मगर कुरान में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं, मैं बोलता हूं मैं हिंदू हूं मगर भगवद गीता में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं, मैं बोलता हूं मैं क्रिश्चियन हूं मगर बाइबल में क्या लिखा है ये मुझे मालूम नहीं। आज आप और हम सब जो धर्म के नाम पे क्यों लड़ते हैं मालूम है, तो सिर्फ इसीलिए लड़ते हैं कि आपको हमको अपनी कुरान मालूम नहीं है, बाइबल मालूम नहीं है, भागवत गीता मालूम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस पृथ्वी पे मनुष्य का रूप धारण करके क्यों आए ये मालूम नहीं है,
भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर के क्यों आए, महाभारत क्यों हुई, ये आपको पता नहीं है। यीशु ख्रिस्त क्यों आए, उनको सूली पे क्यों चढ़ा दिया गया, आपको ये पता नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए और दुनिया को न्यू नई राह क्यों दिखाई, आपको हमको ये मालूम नहीं है। तो आपको हमको हमारे अपने मजहब के बारे में भी मालूम नहीं है। कांग्रेस जन अगर आपको बनना है, आप अगर कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं यूथ कांग्रेस का हूं, तो पहला आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या है। तो कांग्रेस का प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी क्या है। कांग्रेस की प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी सर्वधर्म समभाव की। और अगर आप जब बोलोगे कि मैं सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखता हूं, तो आपको सब धर्म की मालूमात होना भी जरूरी है या नहीं जरूरी है क्या? मैं अगर अभी अशरफ भाई को पूछ लूं कि भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार थे, कितने अवतार थे, क्यों आए, नहीं बता सकता। मैं अगर पांडे को पूछ लूं कि हमारे पैगंबर साहब इस दुनिया में क्यों आए, कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुई, रमजान क्यों रखते, तो नहीं बता सकते। मैं अगर आज विंसेंट को पूछ लूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों आए थे और किसके अवतार थे, तो नहीं बता सकते। प्रदीप काकड़े को अगर पूछ लूं कि महालक्ष्मी के कितने अवतार हैं, तो नहीं बता सकते। हमारे धर्म के बारे में हमको मालूमात नहीं, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको मालूमात नहीं, तो हम पार्टी के बारे में हम क्या मालूमात रखते। अगर आपको सच्चे कांग्रेसी बनना है, तो पहले अपने मजहब को अच्छी तरकीब से पढ़िए। अपने साथ में काम करने वाला जो व्यक्ति होगा ना, एक तरफ दुबे होगा, एक तरफ पांडे होगा, एक तरफ वाज होगा, एक तरफ डिसोजा होगा, एक तरफ पाटिल होगा, एक तरफ काकड़े होगा, एक तरफ नारायण स्वामी होगा, एक तरफ पिल्लई होगा, तब आपको ये सब आपके साथीदार लगना चाहिए, आपके परिवार के सदस्य लगना चाहिए, आपके भाई लगना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आती है कि मेरा परिवार तो मेरा परिवार है, मैं उस परिवार में पैदा हुआ इसलिए मेरा परिवार, अगर ये परिवार हम बना रहे हैं और इस परिवार को अगर मुझे टिकाना है, साथ में रहना है, जब तक मैं एक दूसरे के सुख और दुख में नहीं जाऊंगा, जब तक कि एक दूसरे के घर पे मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर पे चाय पीने नहीं जाऊंगा, तब तक कि आप सच्चे कांग्रेसी और कांग्रेस एक कांग्रेस नहीं बन सकते। कांग्रेसमैन, कांग्रेसमैन का मतलब क्या हुआ, लोगों का साथ में आना, उसको बोलते हैं कांग्रेसमैन। कांग्रेस का मतलब क्या है, लोगों को संगठित करना, इसका डेफिनेशन तो लोगों को संगठित करना। और आप जब उसी बात को नहीं समझेंगे और असंगठित रहेंगे, तो आप ना खुद की दशा और दिशा को सुधार सकेंगे, ना पार्टी की दशा और दिशा को सुधार सकेंगे, ना इस देश के लिए आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। आप अगर चाहेंगे कि आप आज यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी बने हैं, आज यूथ कांग्रेस में ज्वाइंट हुए हैं, आपको आने वाले महानगर पालिका के चुनाव लड़ना है, तो आपको इस शहर के बारे में जानना होगा, इस शहर की समस्याओं को समझना होगा, इस शहर की समस्याओं को लेकर के आपको आंदोलन करना होगा। कि कांग्रेस की झंडा निकाल दिया इसके लिए आंदोलन करना, ठीक है, एक पॉलिटिकल काम है वो, मगर जनता की आवाज को लेकर, समस्या को लेकर आंदोलन करना होगा। और मैं वो चाहूंगा यूथ कांग्रेस की तरफ से, मीरा भाईंदर की यूथ कांग्रेस की तरफ से, ये शहर को गिद्ध की तरह नोच के खाया जा रहा है। किसकी तरह? गिद्ध की तरह नोच के खाया जा रहा है। उसे रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारे लोगों की, आप लोगों की। हर चीज में भ्रष्टाचार है, हर चीज में करप्शन है, हर चीज में जातिवाद है, धर्मवाद है। मुजफ्फर हुसैन चुन के क्यों नहीं आया, खाली नाम मुजफ्फर हुसैन, मतलब लोगों को बोलने का भी। इसी भयंकर में लोग जो बचपन से मुझे जानते हैं, मुझे अफसोस होता है उनके विचार धारणाओं पे, कि वो ये कहते हैं मुझे मेरे मुंह पे, अरे मुजफ्फर साहब आप इतने बढ़िया इंसान हैं, मगर खाली दिक्कत यह है कि आप एक मुसलमान हैं, इसके लिए हम आपको वोट नहीं कर सकते। और वही लोग जब मुजफ्फर हुसैन से मदद मांगने के लिए आते हैं, तब जात धर्म सब भूल जाते हैं। मैं एक आपको एहसास दिला रहा हूं ये बात को बोलकर,
मैं तो जो बीत गया उसे मैं छोड़ करके आगे चलता हूं। जिंदगी बहुत छोटी है, मैं कभी किसी से नाराजगी नहीं रखता, मन दुख नहीं रखता, किसी पे गुस्सा क्षण भर का मेरा होता है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं। आपको यह बात का एहसास मैं इसलिए दिला रहा हूं कि यह समाज इसी तरह से बन गया है, और पिछले 5-7 सालों में बीजेपी और आरएसएस ने इसी की नींव को मजबूत किया है, और आपको ये जिस नींव को मजबूत किया है इसको ढाने का काम आपको करना है, इसको गिराने का काम आपको करना है। सिर्फ कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं, तो आज आप 20-25 साल के उम्र के हो, मैंने अपना यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का जब काम शुरू किया तो मेरी उम्र 18-19 साल की थी, 18-19 और 55 का अभी हूं, कितने साल हो गए। लेकिन मैंने कभी हमको नेता भी वैसे मिले, स्वर्गीय तुलसीदास मात्रे, परेश्वर नारायण पाटिल, कृष्णाराव मात्रे, जो ओरिजिनल कांग्रेस जन थे, जिनके मन में कभी भेदभाव नहीं था, जातिवाद नहीं थी। सेकेंडरी स्कूल आज खड़ी है उन्हीं लोगों की वजह से खड़ी है, अभिनव विद्या स्कूल खड़ी है उन्हीं लोगों की वजह से खड़ी है, अगर उन लोगों ने कभी ये सोचा नहीं तो उनकी तालीम में, उनकी क्लासेस में हम तैयार हुए, और इसीलिए हमारी विचारधारणा भी जो है सर्वधर्म समभाव। तो मैं आज आप लोगों से यही वायदा चाहूंगा, एक आप पहले अपने मजहब को समझो, पढ़ो, नहीं पढ़े तो पढ़ो, सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल करके या जय श्री राम बोल करके किसी धर्म का भला नहीं हो सकता, कोई मनुष्य जाति का भला नहीं हो सकता, इसके लिए आपको मानवता की सेवा करनी पड़ती है, और मानवता की सेवा करने के लिए धर्म को समझना पड़ता है, और धर्म क्या है तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म, और कर्म को करने का है तो फिर से उसी धर्म को पढ़ना पड़ता है जो मानवता की सेवा बताता है। ये सब इंटर रिलेटेड चीज है, जब तक आप ये चीज, ये भावना आपके दिल में नहीं आएगी, तब तक के दीप काकड़े आपने जिन लोगों को लाया, नौजवान साथीदारों को, चुनाव आएगा इनको 500 रुपये कोई देगा, 1000 रुपये देगा, 5000 रुपये देगा, इनके मन में ऐसी भावना मजबूत बननी चाहिए कि इनके सामने किसी ने 1 करोड़ रुपया भी रख दिया ना तो बोलेंगे भैया हम इस विचारधारणा के साथ काम करते हैं, हम पैसों के साथ काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि स्लम्स के अंदर, सोसाइटीज के अंदर, शहरों के अंदर के लोग ऐसे नहीं, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको, वैसे भी शहर की मिसाल दूं कि हमने कुछ भी नहीं दिया है, हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, मगर फिर भी वो कांग्रेस की मीटिंग में आके बैठते हैं, फिर भी वो कांग्रेस की मीटिंग में आकर के बैठते हैं। इसलिए मैंने प्रमोद सावंत से भी कहा और आपसे भी कहा था कि ऐसे सारे लोग जो कांग्रेस की मीटिंग में आके बैठते हो, भले बेचारा अकेला बैठता हो, उसका नाम एसयू में भरो, जो मेरिट्स है, 12वीं क्लास पास होना चाहिए, पुलिस केस नहीं होना चाहिए, जो क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसे लोग ढूंढ के निकालो। आपकी सभा में वो लोग आके बैठते हैं, वो आपका कभी फूल उठा करके बाजू में रखते हैं, कभी कुर्सी उठा के रखते हैं, कभी कोने में खड़े रहते हैं, कभी सामने नहीं बैठते, कभी आपको पानी पिलाते होंगे, कभी आपको चाय पिलाते होंगे, मगर आपसे कभी टिकट भी नहीं मांगेंगे, पद भी नहीं मांगेंगे, कभी ये भी नहीं बोलेंगे कि हमको सांप के पास लेकर के चलो। ऐसे लोगों को आपको एसयू बनाना चाहिए, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अगर ये न्यू आपने रखी, अगर ये न्यू आपने रखी तो आज जो साथीदार आप अपने साथ बना रहे हो वो भी उसी बात को आगे चलाएंगे, और जब ये साइकिल इस तरह से चलेगी तब कांग्रेस संगठन मजबूत होगी। आपने अभी तालुका और जिला समितियों के ऊपर कुछ लोगों के नाम दिए, उसमें से कुछ नाम कटेंगे, मतलब अपन काटेंगे इसलिए नहीं क्योंकि अपन अभी ट्राई पार्टी में है, राष्ट्रवादी में है, राष्ट्रवादी है, सेना है और अपन है, पालक मंत्री इनके है, मंत्री उनके है, अपने संपर्क मंत्री है, अपने संपर्क मंत्री 11 तारीख को मीरा भाईंदर में आने वाले हैं, जिला कांग्रेस की एक बड़ी सभा अपने को करनी है, करनी है कि नहीं, और फिर वो एक उपतन में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी जाने वाले हैं। तो एसईओ के फॉर्म्स आपको भरने हैं, नए नौजवान साथीदारों को दीप प्रमोद, आपको लोगों के घर तक पहुंचना चाहिए। जो लोग नाराज होकर के भी कांग्रेस से चले गए, चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ से चले गए हैं,
अब उनको तजुर्बा हो गया है, तो उनको बोला गया था कि शक्कर का पानी पिलाएंगे, अब उनको नमक का पानी भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे भी कई लोग हैं, वो बेचारे शर्माते होंगे कि अभी हम वापस कैसे जाएं। तो कांग्रेस का दिल बड़ा है, समंदर है, हर खुला है, मेरे मन में किसी के लिए कोई नाराजगी नहीं। कांग्रेस में कभी कोई किसी के लिए नाराजगी दिल में रखते नहीं है। सोनिया गांधी आपके हमारे सामने मिसाल है, उदाहरण है। राष्ट्रवादी बनी, शरद पवार जी ने सोनिया गांधी जी के ऊपर आक्षेप लेकर के राष्ट्रवादी बनाई, मगर 6 महीने में इलेक्शन हुआ तो राज्य में सरकार स्थिर देने के लिए और जनता के लिए सोनिया जी ने कहा कि आप राष्ट्रवादी के साथ जाके सरकार बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आपके हमारी नेता इतना बड़ा मन उधार दिखा सकती है। कांग्रेस का इतिहास ही जो है वो इस तरह का है कि कोई तो क्या कहावत है, सवेरे का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ऐसे इस शहर में कई लोग हैं जिनको आपने जाना चाहिए, उनके दरवाजे पे दस्तक देनी चाहिए और उनको फिर से एक बार कांग्रेस में बुलाने का स्वागत आपने करना चाहिए। उसके लिए आपको मेरी प्रदेश कांग्रेस की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कार्याध्यक्ष हूं, आदेश दे दिया। आपने जाकर के सिर्फ फोन पे बता दिया मुझे कि सर ये फला को पार्टी में ले लिया, ले लीजिए। आप लोग बताइए, कभी आप लोग मुझे लिस्ट बताते हो, इन्होंने मुझे उस दिन प्रमोद ने डीसीसी की लिस्ट बताई, मैंने एक भी नाम नहीं देखा। मैंने कहा कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूं मुझे पदाधिकारी नहीं बनाया। जिसको चाहिए सबको डीसी से मिल लीजिए, जिसको चाहिए महिला में लीजिए, यूथ में लीजिए, संगठन का पदाधिकारी बनाइए, एससीओ बनाइए, 200-150 कुछ अपने कोठे में आने वाले हैं एससीओ, 25-50 अगर ज्यादा भी लगेगा तो अपन वो भी बना के लेंगे, लेकिन बनाइए। बहू फॉर्म नहीं मिला मत बोलिए, फॉर्म ढूंढिए, लीजिए, बनाइए। सरकार अपनी है, 4 साल बोनस में मिला है तो 44 आमदार लेके विपक्ष में बैठे होते। ये भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की मेहरबानी समझिए कि 44 आमदार लेकर के कांग्रेस को बोला गया कि ठीक है जाइए सेना के साथ आप सरकार बनाइए, प्रिंसिपली आइडियोलॉजिकली ये हम इनके साथ नहीं है, मगर जनता के लिए, आवाम के लिए, पार्टी के लिए, जो एमएलए चुन के आए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सोनिया जी ने कहा कि ठीक है जाइए बनाइए। तो इसलिए आज ये ट्राइंगल की पार्टी सरकार चल रही है और आपको हमको थोड़ा पावर शेयर उसमें जो भी मिला है तो उसे बांटिए, जैसे सरस्वती बांटने से बढ़ती है लक्ष्मी को संभालना पड़ता है, लक्ष्मी चंचल होती है और जहां सरस्वती होती है लक्ष्मी अपने आप विराजमान होती है। जैन साहब सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? पांडे जी ज्ञान बरोबर बांट रहा हूं, ऐसा तनिक बताओ कि चुप गए हो। तो सब साथीदारों को मैं, आप सभी लोगों को यूथ कांग्रेस के हमारे साथीदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अपना यूथ कांग्रेस मीरा रोड का वार्ड का प्रेसिडेंट था, यहां तो कई लोग डायरेक्ट ब्लॉक के प्रेसिडेंट बने हैं, जिले के पदाधिकारी बने हैं, मैं मीरा रोड का वार्ड का प्रेसिडेंट था। तभी मीरा रोड का की आबादी खाली 11,000 थी, कितनी थी अब पूरे मीरा भाईंदर की 1.25 लाख थी, अभी 15 लाख है। मैं मीरा रोड का वार्ड का प्रेसिडेंट बना, फिर ब्लॉक का प्रेसिडेंट बना, तभी मीरा भाईंदर डिस्ट्रिक्ट नहीं था सिर्फ ब्लॉक था, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बना जब पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट रूरल था, फिर माइनॉरिटी सेल का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना, फिर स्टेट के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बना 5 साल 95 से लेकर तो 99 तक, और फिर जाकर के महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का 99 से 2004 में स्टेट का प्रेसिडेंट बना, फिर 14-15 साल यूपी का इंचार्ज रहा, प्रवक्ता बना, मीडिया में काम किया। ये सारा करने के बाद पिछले साल जाकर के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना, मतलब 35 साल लग गए। नाम के आगे, प्रेसिडेंट के आगे अभी भी वर्किंग है बेटा, बोले बेटा तू काम करते थे। तो वर्किंग है वही ताकत है, तो इसलिए काम करते जाओगे, बाकी
तो उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर पे, खुदा पे, अल्लाह पे, रब्बुल आलमीन पे, गॉड पे। देने वाला वो है, तुम्हारे हमारे हाथ में, हस्तरेखा में, माथे पे सब लिख के भेजा है। मेरे भी माथे पे और हाथ पे लिख के भेजा है कि बेटा यहां खड़े रह के आधा घंटा भाषण करना, इसके लिए आज भाषण किया। लिखा हुआ है, हर क्षण लिखा हुआ है इंसान के जीवन का, हर क्षण कौन किस वक्त आएगा और किस वक्त जाएगा ये भी उसको पता है। इसलिए देने वाला ना मुजफ्फर हुसैन है, ना देने वाला दीप काकड़े है, ना देने वाला प्रमोद सावंत है, देने वाला कौन है? आवाज ही नहीं निकलती, ऊपर वाले को भूल गई क्या? ऊपर कोई माला नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देने वाला वो ऊपर वाला है। लेकिन ऊपर वाला कब देता है? तुम्हारे कर्मों को देख करके देता, तुम्हारे काम को देख करके देता। काम अच्छा करो, कर्म अच्छा करो, अपने काम पे विश्वास रखो, नेतृत्व पे विश्वास रखो, पार्टी के साथ में निष्ठा कायम रखो। लॉयल्टी बहुत जरूरी है, निष्ठा बहुत जरूरी है जीवन में। चाहे आप बिजनेस करो, परिवार में रहो, पार्टी में रहो, मगर जिस जगह रहो वहां निष्ठा के साथ रहो। घर बदलने वालों को लोग क्या कहते हैं? दल बदलो। तो अपने नाम के आगे अगर, या नाम के पीछे या पीठ के पीछे अपने को अगर कोई कहे नहीं कि दल बदलू है, तो आपको निष्ठा के साथ रहना चाहिए। यूथ कांग्रेस से निष्ठा के साथ आप रहोगे तो कांग्रेस में यकीनन आप आगे बढ़ोगे। ये शहर का नेतृत्व आप ही लोगों को करना है, इसलिए हमने अभी सेकंड लाइन तैयार करने का काम शुरू किया है। जैसे तुलसीदास मात्रे, कृष्णराव मात्रे, डीओ कोलोसो साहब, परोशन नारायण पाटिल, माधवराव पाटिल, बाबा तेंदुलकर, ये सारे लोगों ने, शशिकांत शाह, ये सारे लोगों ने जैसे हमारे जैसे को तैयार किया, मुझे, प्रफुल्ल पाटिल, ऐसे कई लोगों को तैयार किया था। अभी हम आप जैसे नौजवानों को तैयार कर रहे हैं कि ये शहर की भागदौड़ आपको संभालनी है, ये शहर की पार्टी को आपको संभालना है, ये शहर की जनता को आपको संभालना है। आप सभी लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी क्रिसमस टू ऑल, और आने वाले नए साल की भी आप सभी लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूं। नए साल में अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वायरस अभी पूरा मुकम्मल गया नहीं है, इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना यह आपका कर्तव्य है। कई लोग इस कोरोना में चले गए, घर के परिवार का सदस्य भी आखिरी क्षण में उसका मुंह तक के नहीं देख सका, उसके दर्शन भी नहीं कर सके, उसकी अंतविधि नहीं कर सके, उसकी आखिरत की मिट्टी को मिट्टी भी आदमी नहीं दे पाया। फैमिली मेंबर जो ऊपर वाले की तरफ से मार है, जिसकी लाठी में आवाज नहीं, ये लोगों को मार है, दुनिया को मार है कि मैंने दुनिया एक बनाई मगर तुमने इसको इतना तकसीम कर दिया, इतना बांट दिया है कि कुदरत ने भी अपने गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिदें बंद कर दिया था, वरना उसकी मर्जी के बगैर उसका घर कोई बंद नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? मगर वो भी इंसान की गलत हरकतों से परेशान होकर के उसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी बंद कर दिया था और बोला जाओ, मैंने तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया। और अब आप देखो, अब जब वापस उसकी मर्जी से उसके गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद खुले हैं, तो उसके बाद ही वैक्सीन आएगा, उसके बाद ही इंसान बचेगा, देख लेना। एक मर्जी किसकी हुई? उसकी। तो उसकी मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं, इसलिए देने वाले हम नहीं है, देने वाला वो है। संगठित रहिए, आप सबको नए साल की मुबारकबाद, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।